पर आप ये बताइए, एक सेकंड एक सेकंड, हमें देश विरोधी नहीं कह सकते। नहीं, आप कोई भी देश विरोधी नहीं है, किसी को भी देश विरोधी नहीं बोला जा सकता। आप यहाँ पर एक नेशनल पार्टी हैं, पर आप ये बताइए, गलवान घाटी में 2020 में जो 20 जवान शहीद हुए भारत के, उसका क्या हिसाब किताब लिया मोदी जी ने? आप देश के अंदर चुनाव में वोट मांगते समय कहते हैं कि चीन के साथ लाल लाल आंख दिखाएंगे, झड़प में उनके लोग भी मरे ना सर, उनके सैनिक भी मरे। आपके पास करने का कुछ नहीं, तो आप यही होता है युद्ध में, यही होता है। अगर कोई आपकी जमीन घुसने की कोशिश नहीं है, खुद वहां पे खुद उन्होंने माना है, चाइना ने खुद कम से कम 4 सैनिकों की मृत्यु को एक्नॉलेज किया है सर, 4 उन्होंने एक्नॉलेज किया है, और एक ऑस्ट्रेलिया अखबार ने 38 बोला। वर्षों से शांति और अहिंसा के साथ चलता है, आपने देश के अंदर भी माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया और देश के बाहर भी आप माहौल बिगाड़ रहे हैं। कैसे देश के बाहर कैसे माहौल बिगाड़ रहे हैं? आप घुटने टेक दे रहे हैं, आपने चाइना के सामने घुटना टेक दिया। कैसे घुटने टेक जो है उसका ताली बजा रहे हैं, कैसे घुटने टेक दिए? प्राउड हम लोग करें आपके ऊपर सर, कैसे घुटने टेक दिए? बिल्कुल घुटना टेका आपने, कैसे? हमारे जवान शहीद हुए, हमारे जवानों को मारा गया, हमारी जमीनें ले ली गई, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। पहले तो खूब भाषण देते थे कि लाल लाल आंख दिखाएंगे, कहां लाल गए, हां गए आप, फिर हम घूम फिर के वही आ गए। चलिए एक बार एक कूटनीतिक समीक्षा कर लेते हैं कि क्या ये विनसम लूसम है, क्या ये पूरी तरीके से एक हार है या घुटने टेकना है, या इसमें सच में इसको उपलब्धि माना जाए। बिल्कुल, अगर हम राजनीति को एक तरफ रख लें, आप सिर्फ इसका आकलन कीजिए, पहले हिंडोल और फिर शुभ्रास्ता, उपलब्धि नहीं है क्या आप इसको? अरे सर, मतलब का बीजेपी के लोग इस देश के अंदर माहौल बना रहे हैं। एक जो एक्सपर्ट्स हैं जिनका काम ही है कि इस चीज की समीक्षा करें, विश्लेषण करें, उनसे एक बार पूछ तो लेने दीजिए, कोई बात ही नहीं कर रहा। हिंडोल सेन गुप्ता, राजनीति एक तरफ रखिए, क्या आपको लगता है कि हमने घुटने टेक दिए हैं? क्या इसको जरा भी उपलब्धि माना जा सकता है या फिर विनसम लूसम? ये मोमेंट हमारा जो मिलिट्रीली अगर आप देखें, इंडिया का जो क्षमता है और चाइना का जो क्षमता है उसमें काफी फर्क है, मगर अगर आप बॉर्डर क्षेत्र में जाए हम उनका ईंट से ईंट टक्कर दे सकते हैं, और ये बॉर्डर क्षेत्र में हमारा काम ही है उनको ऐसे ईंट से ईंट टक्कर दे के रोकना, और जो ये ऐसे ईंट से ईंट टक्कर देके हमने उनको रोक रखा है इतने साल। डोकलाम हो गया, जिसे मैंने कहा गलवान हो गया, हमने एक इंच भी उनके लिए नहीं छोड़ा, और यही हमारा काम था, यही हमारे सेना का काम था। तो मगर ये जो सिचुएशन है, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये हमेशा नहीं चल सकता, और इसका मतलब ये नहीं है, ये जो पेट्रोलिंग का हमने एक समझौता किया है, इसका मतलब ये नहीं है हम उनके सामने घुटने टेक दे रहे हैं, या हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है इसलिए हम घुटने टेक दे रहे हैं। अमेरिका का भी ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के सामने। अगर आप आज कहेंगे कि अमेरिका चाइना के सामने घुटने टेक दे रहा है तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। बताइए शुभ्रास्ता, आप भी अपना एक आंकलन दीजिए, घुटने टेके हैं क्या? दिवाली मनाने का भी तो सवाल नहीं है, जो आप एकदम जो है दिवाली मना रहे हैं देश में। सर आप मत मनाइए, आप खुश भी मत होइए, दुखी भी मत होइए, आप न्यूट्रल रह जाइए। शुभ्रास्ता, मेरे लिए पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जीत तो नहीं है। पेट्रोलिंग हो गया, ठीक है, ओके, ये एक पार्ट है आपके डिस्कशन का, डायलॉग का, लेकिन इसको लेकर के बहुत बड़ी जीत हो गई। मोदी जी सवा शेर हो गए, 56 इंची के छाती बढ़कर के 150 इंची हो गया। सर कमाल है, जब 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 एक ब्रिज बनता है वहां पे तो आप कहते हैं कि दुनिया खत्म हो गई, भारत एकदम लुट गया, घुटने टेक दिए, चाइना की बहुत ही बड़ी जीत हो गई। अब जब हमने पेट्रोलिंग दोबारा शुरू कर दी, आप कह रहे हैं कि इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब पेट्रोलिंग रुकी थी तो आपने कहा था कि एकदम कयामत आ गई, आप ही के प्राइम मिनिस्टर हो गई है तो लोग खुश हो रहे हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं और इंडिया के पीएम की बात कर रहे हैं। बताइए शुभ्रास्ता भाई, मेरे ये इंडिया की बात कर रहे हैं, नहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज फैसला हो जाए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ठीक है शुभ्रास्ता, एक सेकंड, प्रोफेसर साहब आप तो उनको अवतार मान रहे हैं, हम तो अवतार नहीं मानेंगे। हर बात पे क्यों करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर तो आपके लिए अवतारी पुरुष है। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई अवतार नहीं है, प्रधानमंत्री तो है, ये तो नहीं बदल सकता अगले 4 साल। बताइए घुटने टेके या नहीं? ऐसा नहीं होता है, आपके लिए पीएम बायोलॉजिकल नहीं है, अवतारी पुरुष है, आप मानिए, हम तो नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज, इतना ज्यादा बयानबाजी फालतू की होने लगती है। हम अतिरेक में फॉरेन पॉलिसी को किसी भी अतिरेक और अतिवाद से फॉरेन पॉलिसी की व्याख्या नहीं कर सकते। चाइना के साथ आज जो संबंध हमारे हैं वहां तक पहुंचने में समय लगा है, क्योंकि ये बात सच है कि बॉर्डर पे जो टेंशन थी उससे उसको लेकर के आज पब्लिक पोजिशनिंग जिस तरीके से अभी की बातचीत की जा रही है उसमें खासा फर्क है बॉडी लैंग्वेज में। तो निश्चित रूप से ये एक स्टेप फॉरवर्ड है।
लेकिन क्या इससे चाइना और इंडिया के सारे रिलेशंस इंप्रूव हो गए? मैं ऐसा नहीं मानती। ये तो वो वाली बात हो गई पद्मजा जी, जिससे दो फैमिलीज का रिलेशन होता है, लगभग वैसा ही रिलेशंस मैं इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखती हूँ दो कंट्रीज का, कि अगर आपके बीच में कुछ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सटल इश्यूज होते हैं, बट आप कुछ मेन मुद्दों पर एक साथ आने का एक आप अग्रीमेंट रखते हैं कि हमें आना है। जैसे किसी के यहाँ शादी विवाह हो गया, फंक्शन हो गया, हमारे यहाँ ये डील हो गई पेट्रोलियम की, लेकिन आप हर डील में आप बॉर्डर इश्यू को लेकर नहीं बैठते। कई बार जब आप डिस्कशन करते हैं, जब आप ट्रेड की डिस्कशन करते हैं, तो आप जानबूझकर जो बहुत ज्यादा पेच वाले इश्यूज होते हैं आप उनसे बचते हैं, क्योंकि आपका एक एक नेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो केवल और केवल उसके बॉर्डर से डिफाइन नहीं होती ना, बहुत सारी उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज में, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं, और ये सब कुछ पंक्चुएट करता है, सब कुछ इम्पैक्ट करता है कि आपका आपके पड़ोसी राज्य के साथ या किसी भी राज्य के साथ, दूसरे राज्य के साथ आपका रिश्ता कैसा है। तो मैं इसको इस फ्रेजियोलॉजी से भी बचूंगी कि उन्होंने घुटने टेक दिए, या ये बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ा पूरे देश में उत्सव का माहौल होना चाहिए। मैं इन दोनों अतिवाद से बचते हुए चाइना और इंडिया के की समग्रता में जो रिलेशन को है वो समग्रता में ही एनालाइज करना चाहूंगी। मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ ज्यादा अंग्रेजी की है पद्मजा जी, सो भाषा में जो आज कमियां हुई है उसमें मैं क्षमा मांगती हूँ उसके लिए।